आप सब ठीक होंगे। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। आज मैंने बनाई थी टमाटर की कड़ी, हमारे कड़ी बोलती हैं, सब्जी बनाई थी मैंने टमाटर की। मैंने आप सारे रेसिपी शेयर तो नहीं की, कभी दूसरी बार ज़रूर करूँगी। और ये टमाटर काट लिए थे मैंने, और फिर पीछे आपको शायद आवाज़ आती होगी, तो ये मैंने ना मशीन लगाई थी मक्खन बनाने को, इसकी आवाज़ आती है। ये हर रोज़ की रूटीन है मेरी। और आप लोग कैसे हैं, ये मेरे को आप लोग कैसे हो और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही। देखिए मैंने टमाटर काट दिए थे, मैं ना पीछे बात कर रही हूँ साथ साथ में, तो तभी थोड़ा रुक रुक के बोल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने आग जला रही थी ना, देखिए हम ऐसे करके आग जलाते हैं, वो चील से होते हैं ना, हम जुगटी बोलते हैं, पता नहीं आप लोग के इससे इजी होता है जलाने के लिए, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब इसमें ना ब्रोजा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें इजीली होता है आग जलाने के लिए। हम इकट्ठा करके रखते हैं तो फिर लकड़ी के साथ, देखिए जो मैंने हाथ में उठाया माचिस की तिल्ली से जलाई, और तिल्ली से जलाई और फिर लकड़ी डालेंगे तो एकदम से जल जाती है। और आप लोग भी बता देना कि आप लोग कैसे करते हो। यहाँ पे पहाड़ी लोग तो हमेशा सभी ऐसे ही करते हैं, हिमाचल में पहाड़ी लोग सारे ऐसे ही करते हैं। और ये ना मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है, देखिए मैं बना रही हूँ चटाई, वो कल के ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं प्लास्टिक के कागज़ जो रैपर थे वो काटे थे मैंने, उसकी मैं चटाई बना रही हूँ। हमारे मंजरी बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये जो ये होते ना, ये मतलब धागा जैसा, इसको हम बोलते हैं मंदरेड़ी, ये मिलती है दुकान में और दुकान से लानी पड़ती है, फिर ऐसे करके ये चार लक्कड़ लगाएंगे तो फिर ऐसे करके नीचे को ले जाएंगे, यहाँ पे बांधेंगे हम नीचे इसको। नीचे हमने एक अलग अलग से सात धागे हैं ये, तो सात तरह के सातों जगह में इनको फिक्स करेंगे हम। फिर देखिए आपके साथ आगे मैंने शेयर किया है, ऐसे करके बांधेंगे और फिर देखिए देखिए बेटी बांध रही है, तो उस तरह से बांधेंगे हम, ये धागा हम बीच में डाल के ऐसे करके बांधेंगे इसको। बहुत अच्छी लग रही है, जब मैंने आगे मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मेरे को बता देना कहाँ कहाँ है आप लोग जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, कहाँ कहाँ से और कहाँ कहाँ ये सब बनती है, कौन कौन बनाते हैं इस चीज़ को, मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे तो मैक्सिमम बनाते हैं, अब भी तो बहुत कम बनाते हैं, अभी उतना ज़्यादा नहीं बनाते। मेरे पास था मतलब मेरे पास रैपर थे बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर लूँ, और आप लोगों को कैसा लगेगा। ये देखिए ये मैंने छोटी सी लकड़ी ली है ना, तो बराबर बराबर इनको करना है, दोनों साइड से ऊपर से भी और नीचे से भी, और इसी तरह से हमने बांधा है इसको। और साथ में इसमें ना हमने फिर
बाद में अब धान की घास लगानी है, धान की घास के साथ ये प्लास्टिक बाहर से लपेटना है और डोरी जैसी बनानी है एक, तो जैसे मतलब क्या बोलते हैं रस्सी टाइप हो गया, उस तरह से बनाएंगे। देखना आप आगे, तो आपके साथ मैंने थोड़ी थोड़ी सी मैंने शेयर की है, अगर मैं पूरी करती शेयर तो ये तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। तो वैसे जो मैंने बनाई है स्किप नहीं की है, आवाज़ आ रही होगी आपको तो सॉरी, मैनेज कर लेना आप लोग, क्योंकि मैंने स्किप ना तो मैंने आवाज़ कटी है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये हो गया था मेरे, बराबर बराबर कर लिया था मैंने इसको, और ऐसे से ही इसको बराबर बराबर करेंगे और फिर इन धागों को उसी डोरी के साथ कसेंगे। ये देखिए, ये मैंने पत्थर लगा दिया था ताकि ये लकड़ ना हिले ना, इधर जब मतलब थोड़ा खींचेंगे धागे तो ये हिल जाते हैं लकड़, तो तभी मैंने ये पत्थर लगा दिया था। आज की वीडियो ना स्किप मत करना कोई भी, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, क्योंकि आप लोगों को अगर बनानी हो इस तरह से, गांव में कहीं कहीं बनती है कहीं नहीं बनती है, जहाँ पे नहीं बनती है वो लोग सीख सकते हैं इस चीज़ को। और जैसे हमारे मतलब कोई पुरानी चीज़ हो, जैसे मैंने आपके साथ एक दिन रजाई बनाना भी शेयर किया था, उसी तरह से हम पुरानी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। गांव में ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें रहती हैं तो मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बनाया था मैंने, ये धान की घास मतलब हमारे फेयर बोलते हैं, ये ली थी मैंने और इस तरह से लपेट दिया था मैंने इसको, आप लोग भी देख सकते हो और सीख भी सकते हो। मैंने अच्छे से आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि स्किप भी नहीं किया है, ताकि आप लोग भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सीख सके आप लोग भी। एकदम ध्यान से मैंने वीडियो बनाई है ताकि अच्छे से आप देख सको। इसी तरह से ना पूरा करेंगे, मतलब ये जितने मैंने जितने बराबर धागे लगाए इसके बराबर होनी चाहिए इधर से उधर तक ये डोरी। और मैंने ना आपके साथ कुछ बोला है, आप सब ठीक होंगे। ये देखिए आज मैं आपके साथ क्या शेयर कर रही हूँ, अभी तो मैं स्टार्ट करके रख रही हूँ और अभी तो 3-4 दिन लगने मेरे। ये देखिए ये हो गया मेरे, अब तो ये हो गया है। और अब ना मैं इन धागों को इसके साथ इसके सहारे मतलब कसूंगी और ऊपर से गांठ मार के मतलब सातों के सातों धागे में कस के इसमें मतलब थोड़ा सा एक कसना ज़रूरी है ताकि ये ढीला ना छूटे। और मैंने इसमें दो दो गांठे लगा दी थी ताकि ये पक्का रह जाए, ढीला ना छूटे ये। तो ये देखिए मेरे को थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि मैं बाएं हाथ से काम करती हूँ, तो उस वजह से ना मेरे को मतलब उतने अच्छे से ना तो बनानी आती है। बट मैंने आपको शेयर कर दी है, जो भी है आप लोग मेरे को बोल देना कि अच्छी लगी आपको। ऐसे ऐसे काम रहते हैं हमारे गांव में, कभी कुछ ऐसे करते रहते हैं हम तो। ये हो गया देखिए, इसी तरह से अब हम इसको ऊपर ऊपर तक ले जाएंगे, उधर से इधर, इधर कोने से उधर कोने तक, ऐसे ऐसे ही बनती हमारी मंजरी। और जब ना पूरी बन जाएगी, अभी तो मैंने थोड़ी सी आपके साथ शेयर की है, आगे भी मैंने थोड़ी मतलब दो कर फुट बनाई है, तो मतलब वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो बनाई भी है। और फिर जब पूरी बन जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। इसमें बहुत टाइम लगता है यार, सच्ची में टाइम तो बहुत लगता है, पर फिर भी देखने को ना बड़ी सुंदर लगती है, तो बहुत अच्छी लगती है। बोलते हैं कि प्लास्टिक मतलब वो नहीं अच्छा नहीं रहता है, ये बात तो हम मानते हैं, हम कौन सा इनको बिछा के मतलब हमेशा बिछा के रखेंगे या यूज़ में लाएंगे, कभी कभार लाएंगे ऊपर से हम इसमें और चटाइयाँ बिछाते हैं, मतलब
जैसे बैठक हो गया, कोई भी हो गया, जैसे दरी हो गई, वो बिछाते हैं हम लोग इसके ऊपर। और ऐसे भी ना बहुत सुंदर लगती है देखने को, बहुत प्यारी लगती है सच्ची में। आप लोग मेरे को बताना कि सच्ची में अच्छी लगी है या फिर मैं ही अपने काम की तारीफ कर रही हूँ। आप लोग भी तारीफ़ करोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा कि सच्ची में ये अच्छी है। और फिर तो जब पूरी बन जाएगी तब तो आपको सच्ची में अच्छी लगेगी ना। अभी तो उतने पता भी नहीं लगेगा, पहली बार देख रहे हो तो। अभी मेरे पास बहुत सारे ये बचे हुए हैं, ये प्लास्टिक के रैपर ना, इसकी मतलब एक दो बन ही जाएंगी शायद। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी मैं दूसरी स्टार्ट करूँगी ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से हमारे गांव का काम रहता है। ये देखिए फिर मैंने ना मतलब घंटा दो घंटे के बाद फिर से क्लिप किया था, और इस तरह से इतनी हो गई थी, मतलब देखिए ना अब बैठने लायक हो गई है। क्योंकि अब पहले तो दो तीन ही फेरे लगाए थे मैंने, अब तो बहुत सारी हो गई है। देखिए कितनी सारी हो गई है। और देखिए प्लास्टिक के कागज ना कितने अच्छे दिख रहे हैं, मतलब कहीं हरा रंग, कहीं लाल रंग, कहीं नीला पीला, ऐसे करके बहुत अच्छी दिख रही है। आप लोगों को भी अच्छी लगे तो आप लोग भी बता देना मेरे को कि सच्ची में आपको अच्छी लगी या फिर मेरे को ये अच्छी लगी। क्योंकि अपना काम तो सबको अच्छा लगता है, मैं तो तारीफ़ करूँगी। और आप लोगों को अच्छी लगेगी ना तो मेरे को भी प्लीज़ बता देना, ताकि मैं भी ना अपना काम जो मैं कर रही हूँ कि अच्छा लगे, कोई मेरे काम की भी तारीफ़ कर रहा है या मेरे ब्लॉग की कोई तारीफ़ कर रहा है, कुछ भी है पर अच्छा लगता है, तभी तो मज़ा भी आता है काम करने में। ये देखिए इस तरह से हम एक साइड से दूसरी साइड को ले जाएंगे। सच्ची मास तो ना पूरा दिन, मतलब तो 3 घंटे का काम है मेरा ये, तो थक गई थी मैं, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, मतलब बैठ नहीं सकते ना ऐसे, मतलब दिन भर नहीं बैठ सकते, 2-3 घंटा नहीं बैठ सकते, थोड़ा थोड़ा तो बैठ भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इतने टाइम बैठना ना मुसीबत होगी। ये तो ये समझो कि मैंने अपने आप के लिए मुसीबत तैयार कर दी अब तो, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है, कबाड़ था बचा हुआ, कबाड़ ही समझो आप। और देखिए ऐसे ऐसे मैंने इसको किया। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। जो न्यू है मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग व्यू आपके साथ शेयर किया है। आजकल पहाड़ों का मौसम बड़ा ही सुंदर लगता है। ये है मेरा साथ साथ में छोटा सा गांव भी है, बहुत ही